और दोस्तों YouTube के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहे जेबी सेवियर बैंक प्रमोशन के संबंध। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो है आपका सीआईबी का एबीएम यूनिट नंबर 3 है, थ्योरीज ऑफ इंटरेस्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके ऊपर आज हम लोग बात करेंगे और पढ़ेंगे, समझेंगे कैसे क्या है क्या है। तो सबसे पहले आइए इन्फ्लेशन की चीज हम लोग चर्चा करते हैं। इन्फ्लेशन, इसको पहला पॉइंट बना लीजिए, ऐसे करके लिख लीजिए। इन्फ्लेशन सब क्या समझते हैं, क्या मतलब होता है इन्फ्लेशन का, क्या समझ रहे हैं अभी आप? इन्फ्लेशन का सीधा भाषा मैं बोल सकता हूं कि किसी भी सामान का प्राइस, यानी सामान या कॉमोडिटी, कोई भी कॉमोडिटी की अगर प्राइस बढ़ जाती है एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद, समझ मेरी बात, किसी भी कॉमोडिटी की सामान की प्राइस बढ़ जाए अगर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद, ठीक है, हम उसे इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो इसको एक एग्जांपल से अगर आप समझें कि एक मेरे हाथ में क्या था, मार्कर पेन है, ये मार्कर पेन है जो 2018, 2019, 2020 इसका प्राइस था उस समय 18 रुपए या 19 रुपए और 20 रुपए। क्या दिख रहा है, क्या समझ में आ रहा है कि जो प्राइस था इसका वो इंक्रीज हो गया ओवर ईयर बाय ईयर, यही हुआ ना, मतलब ईयर बाय ईयर हर साल बढ़ते गया, असल बढ़ाना प्राइस, लॉजिक पकड़ रहे हैं आप? तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि है तो वही चीज, मार्कर पेन ही है, 18 रुपए पहले मिला था, उसका दाम ज्यादा दे रहे हो, 20 रुपए खरीदना पड़ रहा है आपको, चीज तो वही मिल रहा है, ठीक है। जब इसको ऐसा लिख सकते हैं कि कॉमोडिटी की जो प्राइस है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया ओवर पीरियड ऑफ टाइम, ओवर पीरियड ऑफ इंक्रीज्ड ओवर पीरियड ऑफ टाइम, समय के साथ दाम उस चीज का बढ़ गया, इसी को हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। अगर मैं इसको एक लाइन में डेफिनेशन के तौर पे लिखाऊं तो कैसे लिखा जाएगा, राइज इन जनरल लेवल ऑफ prices of goods and services, ठीक है, in economy over a period of time, आया समझ में? समय के साथ क्या हो गया, जनरल लेवल हो गया, प्राइस बढ़ रही है किसी गुड्स और सर्विसेज की इकोनॉमी में एक सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड ऑफ टाइम पर, ठीक है। अब इन्फ्लेशन की वजह से क्या होता है वो देखिए, दूसरा पॉइंट बना लीजिए। तो नेचुरल सी बात है भाई, अगर इन्फ्लेशन हुआ, सामान का दाम तो बढ़ा दिया, क्या हमारी खरीदारी की शक्ति बढ़ी है उतनी? नहीं, सामान का दाम ज्यादा बढ़ता है पर हमारी सैलरी या हमारे जो खरीदारी शक्ति, इसको बोलते हैं परचेजिंग पावर, वो वैसा नहीं बढ़ता जैसा कि दाम बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम सामान कम खरीद सकते हैं, क्या मतलब हुआ, हम सामान कम खरीद सकते हैं, यानी परचेजिंग पावर घट गई, आया समझ में? तो इन्फ्लेशन की वजह से क्या हो जाएगा, परचेजिंग पावर आपका डिक्रीज हो जाएगा, राइट, ये होगा ना, इन्फ्लेशन की वजह से परचेजिंग पावर घट जाएगी। अब इन्फ्लेशन के कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स भी बताए गए हैं, तो नेचुरल सी बात है, सॉरी, इन्फ्लेशन के दो इफेक्ट्स होते हैं, एक तो हो गया भाई पॉजिटिव इफेक्ट्स, अब दूसरा हो जाएगा नेगेटिव इफेक्ट्स, समझ में? इन्फ्लेशन के दो तरह के इफेक्ट हो सकते हैं, एक पॉजिटिव इफेक्ट और एक नेगेटिव इफेक्ट। तो शुरुआत करते हैं हम नेगेटिव इफेक्ट के साथ। तो यहां पे क्या होगा नेगेटिव इफेक्ट से, सबसे बड़ी बात है कि जो रियल वैल्यू ऑफ मनी है, जो क्या था रियल वैल्यू, अरे भाई इसी मार्केट पर खरीदने का 18 रुपए लगा, अगले साल 19 लगा, अगले साल 20 लगा, जो पैसे का रियल वैल्यू था वो बढ़ गया, बढ़ गया, ज्यादा समय ज्यादा पैसा आपको खर्च करना पड़ रहा है सेम प्रोडक्ट के लिए,
यानी रियल वैल्यू ऑफ मनी का नुकसान हुआ है, डेप्रिशिएट हुआ है, घटा है, यानी स्टेबिलिटी उसकी गिरी है, स्टेबिलिटी उसकी गिरी है, ठीक है, लॉस हुआ स्टेबिलिटी, तो हम इसको क्या ले सकते हैं, लॉस इन स्टेबिलिटी इन द रियल वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, अच्छा अब देखिए आपका हाथ में पैसा तो है नहीं, नेचुरल से बात है परचेजिंग पावर घट गई, क्या मैंने बताया यहाँ पे, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो परचेजिंग पावर घटेगा, और परचेजिंग पावर किसी की भी घट गई है, यानी पैसा है नहीं, खरीदने की पैसा नहीं, समझ के खरीदने की शक्ति नहीं है आपके पास, पैसा नहीं, समझ क्या हो गया, खरीदने की शक्ति नहीं है आपके पास। तो इन्वेस्टमेंट, जैसे इन्वेस्टमेंट क्या होता था पहले, क्या करते थे लोग, रियल एस्टेट यानी घर खरीद लिया, बिल्डिंग खरीद लिया, फ्लैट खरीदते थे, और आप विश्वास नहीं करेंगे, बैंक में जो लोग हमारे पूर्वज हैं, पूर्वज हमारे ओल्ड जनरेशन वाले लोग हैं, सभी के पास दो दो घर हैं, किसी का दो घर तो है ही, और किसी के साथ तीन तीन घर भी है, और आज की जनरेशन के पास एक भी घर नहीं है, अगर है तो बहुत किस्मत वाला है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि फ्लैट खरीदने में जो पैसे पहले लगते थे आज की अपेक्षा बहुत ज्यादा लग रहा है, यानी डिस्करेजमेंट हो रही इन्वेस्टमेंट को, जो इन्वेस्टमेंट पैसा लगाते थे ना लोग, उसको डिस्करेजमेंट किया जा रहा है, तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो डिस्करेजेस इन्वेस्टमेंट, यानी इन्वेस्टमेंट को आप सीधे तौर पे डिस्करेजमेंट कर रहे हैं। तो अब क्या चीज को आप बढ़ावा दे रहे हैं आजकल हम लोग, सेविंग्स को बढ़ावा दिया जा रहा है, सेविंग्स को हम लोग इनकरेजमेंट कर रहे करते हैं, क्योंकि आज की डेट में हमारे पास कुछ तो है नहीं, बस ले देके थोड़ा बहुत सेविंग्स है, तो सेविंग्स को ही लोग बढ़ावा देते हैं, सोचते हैं चलो भाई सेविंग्स में कुछ पैसा वैसा बन जाए, बन कह जाए बचा ले, ये चीज है। इससे एक और चीज होता है निगेटिव इफेक्ट, सामान की होर्डिंग हो रही है, होर्डिंग का मतलब क्या है, जमाखोरी, ठीक है, हम ये बोल सकते हैं कि इन्फ्लेशन, जैसे इन्फ्लेशन जाकर बढ़ता है, बढ़ता है मतलब, इन्फ्लेशन का मतलब क्या है कि सामान के दाम बढ़ रही है, तो लोग होर्डिंग करेंगे, कौन होर्डिंग करता है, डिस्ट्रीब्यूटर लोग होर्डिंग इसलिए करता है भाई उसको पैसा ज्यादा कमाना है, अभी क्या करेगा, सस्ते में माल खरीदेगा, क्या करेगा, सस्ते में माल खरीद लेगा, जब दाम महंगा होगा बेच देगा, एग्जांपल लीजिए प्याज ऑनियन, तो बहुत जमाखोरी होता है देश में, हर साल प्याज आंसुओं से रुलवाता है सभी को रुलवाता है जो भी प्याज खाते होंगे, देखिए उसका दाम बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत ही 100 रुपए किलो, 150 रुपए किलो, बहुत भाग जाता है, और कभी कभी 10 रुपए किलो, 20 रुपए किलो, 30 रुपए किलो हो जाता है, ये सब चीज होता है होर्डिंग की वजह से, जमाखोरी की वजह से, वो अपने हिसाब से निकालते हैं तो पैसा कमाते हैं वो। अब इस सारी नेगेटिव बात होगी, अब पॉजिटिव बात आते हैं, सबसे बड़ा पॉजिटिव बात है कि अगर इकोनॉमिक में रिसेशन है तो रिसेशन दूर भगाने में इन्फ्लेशन बहुत बड़ा मददगार साबित होता है। अगर इन रिसेशन मतलब क्या है, रोजगार नहीं है, रोजगार कम है, तो वहां आपको लोन सस्ते मिल जाएंगे, इस वजह से इन्फ्लेशन को बोला गया है कि इकोनॉमिक रिसेशन को दूर भगाने में हेल्प करता है या मिटिगेट करता है। आप देख सकते हैं मिटिगेशन ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन, फिर इसकी वजह से, अच्छा ये तो पहला पॉइंट हो गया, फिर लोग जो लोन लिए हुए थे ना, पब्लिक क्या किया था, लोन लिया था, लोन मतलब क्या हो गया, पैसा जो आप लिए हो, लोन जो भी हमने लोन लिया बैंक से, तो एक चीज पता है कि मनी का वैल्यू कम होता है, ठीक है, घटता है, क्यों घट रहा है, यहां समझ में 18 रुपए जो मार्केट पर 18 रुपए लग रहा है 20 रुपए लग रहा है, यानी पैसे की वैल्यू कम हो गई, स्वाभाविक से बात है परचेसिंग पावर गिर गया, पैसे की वैल्यू कम हो गई, ठीक है, पैसा अब आपको ज्यादा लगाना पड़ेगा उसी सामान को खरीदने के लिए, तो अब यहां पे क्या हो गया, जो लोन लिया होगा भले 1 लाख रुपए का लोन हो, पर 1 लाख रुपए का जो रियल वैल्यू था वो आज घट गया है, लोन का रियल वैल्यू जो था 1 लाख रुपए आज के डेट में पूरे गया, 1 लाख कुछ भी नहीं है, बहुत कम है। जैसे एक एग्जांपल लीजिए, हम लोग के पिताजी लोग जब जॉब करते थे 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए, 700 रुपए, 800 रुपए तक का सैलरी बहुत बढ़िया सैलरी माना जाता था, आज महीने का होगी, आज 800 रुपए देंगे किसी को सैलरी, कोई काम करेगा नहीं करेगा, महीना छोड़ दो एक दिन का भी दोगे तो भी 10 बार सोचेगा, एक जमाना था वो जमाना था, आज वो जमाना नहीं है,
तो आपको यहां पे ये समझना होगा कि पैसे की वैल्यू समय के साथ चेंज हो रहा है, यानी समय के साथ गिर रहा है। तो नेचुरल सी बात है, लोन भी अगर आपने लिया होगा, होम लोन ही क्यों ना हो, सैलरी इस दौरान काफी बढ़ गई, 30 साल का होम लोन है, सैलरी बहुत बढ़ गई, तो आप होम लोन आगे चल के बहुत इजीली पे कर पा रहे हैं। अभी आपको लग रहा हो शुरू शुरू में जब आपने होम लोन लिया होगा, बहुत पैसा लग रहा, बहुत पैसा लग रहा, आगे चल के लग रहा यार तो कुछ भी नहीं है, यानी लोन की वैल्यू भी कम हो गई, रियल वैल्यू। ठीक है, यहां लिख सकते हैं रिड्यूसिंग रियल वैल्यू ऑफ डेब्ट। डेब्ट इज नथिंग बट लोन और एडवांसेस को हम लोग डेब्ट बोलते हैं। एक चीज जरूर बोलूंगा, ये सब सारे पॉइंट्स लिख लीजिएगा, चाहे खुद से तैयारी कर रहे हो, चाहे कोर्स कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, नोट्स नहीं बनाइएगा तो फायदा नहीं करेगा। तैयारी ऐसी होनी चाहिए पुख्ता कि वह तैयारी कर रहे हैं फिर कोई हिला ना सके, 100% पास हो जाए, तो नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, आप यहाँ पे प्रॉपर सीआईबी का वीडियो कोर्स का पैकेज ले सकते हैं, वीडियो लेक्चर कोर्सेज होगा, केस स्टडी नंबर का वीडियो होगा, एडिशनल रीडिंग मटेरियल होगा, वीडियो प्लस पीडीएफ, 12,000 सेट ऑफ क्वेश्चन बैंक होगा, नोट्स होंगे, पीडीएफ है, 30 मॉक टेस्ट होंगे। यहाँ पे सीआईबी का जो कोर्सेज आपको करना, फेस टू फेस वीडियो कोर्स करना, जो सेलिंग वाला और पावरफुल कोर्स है, सीआईबी का ईबीएम बीएफएम रिटेल बैंकिंग कोई पेपर करेंगे दाम में 1500 रुपये, सीआईबी का ईबीएम प्लस बीएफएम करेंगे यानी दोनों कंपलसरी पेपर करेंगे दाम में 2700 रुपये, सीआईबी का ईबीएम प्लस बीएफएम प्लस रिटेल बैंकिंग करेंगे दाम में 3500 रुपये। ज्यादा जानकारी के लिए फोन नंबर दिया हुआ है, फोन आप फोन कर सकते हैं, फोन नंबर है 4×9 6851 27, दूसरा नंबर है 7825 4694 6। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, वेबसाइट पर जाकर www.jbsabstudymaterial.com, ईमेल आईडी sirsena23@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया गया। थैंक यू।